नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अशेष शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद और आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित हिंदुस्तान का संकल्प लिया, लेकिन आज अपने 83 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार किया। और खास बात यह है कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को एक दूसरे का पूरक बताया, लेकिन उससे भी खास बात यह है कि पीएम ने परिवारवाद को सिर्फ सियासी दायरे तक ही सीमित नहीं बताया। पीएम ने कहा कि परिवारवाद सियासी दायरे से बाहर निकलकर देश की तमाम संस्थाओं में अपनी जड़ें गहरी कर चुका है, जिसकी वजह से देश का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। पीएम मोदी का आज का भाषण कई मायनों में बेहद खास है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भ्रष्टाचारियों से ठाना रण, मोदी का पंच प्रण। राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। लाल किले से हुंकार, परिवारवाद पर प्रहार। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी। 75वीं वर्षगांठ पर दिखी हिंद की शक्ति, देश को अब मिलेगी परिवारवाद से मुक्ति। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 130 करोड़ हिंदुस्तानी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लाल किले के प्राचीर से देश के लिए क्या पैगाम आएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले देश में जिस तरह का माहौल बन गया था, उसने हर हिंदुस्तानी की रगों में देशभक्ति का जोश भर दिया था। पूरा हिंदुस्तान तिरंगामय हो गया था। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, खास मौके पर खास तोहफे का इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से पहली बार उन दो समस्याओं को पूरी गर्मजोशी के साथ उठाया जो 75 सालों से देश के लोकतंत्र को खोखला रहे हैं। हिंदुस्तान की तरक्की की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की जड़ों में दीमक की तरह लगे जिन दो विकराल समस्याओं का जिक्र किया, उन्हें आप भी जान लीजिए। इनमें से पहला है भ्रष्टाचार और दूसरा है परिवारवाद। इस बात से किसी भी हिंदुस्तानी को इनकार नहीं होगा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की तरक्की की राह के दो सबसे बड़े रोड़े हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि परिवारवाद सिर्फ सियासत की चौखट तक ही महदूद नहीं है, बल्कि तमाम संस्थाओं में दीमक की तरह लगकर देश को खोखला कर रहा है। जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूँ। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है। हिंदुस्तान के लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार को अलग अलग समस्या मानते रहे हैं, लेकिन पहली बार देश के किसी पीएम ने दोनों समस्याओं को एक दूसरे का पूरक बता दिया है। आप देश की तमाम सियासी ताकतों को लेकर अपने नजरिए का विस्तार कीजिए, सच्चाई आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगी। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश की तमाम पार्टियों में आपको एक ही ट्रेंड नजर आएगा। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उसकी सारी ताकत सोनिया गांधी, राहुल गांधी
और प्रियंका वाड्रा में सिमटी हुई नजर आती है। जब हम आरजेडी की बात करते हैं तो उसकी सारी शक्ति लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में समाई नजर आती है। जब हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समूची ताकत मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में सिमटी हुई दिखाई देती है। जब हम शिवसेना की बात करते हैं तो उसकी ताकत बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे के दर पर दम तोड़ती नजर आती है। जब हम शिरोमणि अकाली दल की बात करते हैं तो उसकी ताकत प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। जब हम एनसीपी की बात करते हैं तो उसकी सारी ताकत शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के आगोश में समाई हुई नजर आती है। जब हम डीएमके की बात करते हैं तो उसकी भी सारी ताकत करुणानिधि के बाद उनके बेटे स्टालिन के चरणों में लौटती नजर आती है। साफ है कि देश की तमाम सियासी पार्टियां किसी न किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शक्ल में दिखाई देती है। आजादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान की जनता का दुर्भाग्य ये है कि परिवारवादी पार्टियों के अलावा उनके पास विकल्प भी बेहद कम है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि परिवारवाद का ये दीमक सियासी दायरे से निकल कर देश की तमाम संस्थाओं में घुस चुका है। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने साफ कहा कि जब तक परिवारवाद के दीमक से देश को छुटकारा नहीं मिलेगा, देश का चौतरफा विकास ऐसे ही बाधित होता रहेगा। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। परिवारवाद पर जब भी बात होती है तो आमतौर पर निशाना राजनीतिक परिवारवाद होता है। तब हम ये सोचते तक नहीं कि देश की तमाम दूसरी संस्थाओं को परिवारवाद के विषवेल ने वैसे ही जकड़ लिया है जैसे राजनीति को जकड़ा हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि जिस दिन सियासत के समर में परिवारवाद का पराभव सुनिश्चित हो जाएगा, उस दिन दूसरी संस्थाएं खुद ब खुद इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगी। मोदी ने साफ कहा कि वंशवाद की राजनीति ने देश के सामर्थ्य पर तगड़ा कुठाराघात किया है। राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर न सिर्फ खुद इसका संकल्प लिया बल्कि लोगों से भी इस मुहिम में मदद की गुहार लगाई। इसके लिए पीएम मोदी ने खास तौर पर देश के नौजवानों का आह्वान किया। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत मैं मानता हूं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को एक दूसरे का पूरक बताकर और साथ ही देश की तमाम संस्थाओं को परिवारवाद की बीमारी से ग्रस्त बताकर पीएम मोदी ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र किए बगैर पलटवार किया है। सोनिया ने एक बयान जारी कर कहा कि हमने बीते 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी और गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्र नेताओं को असत्यता के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। साफ है कि लाल किले के प्राचीर से परिवारवाद पर हमले को ज्यादातर सियासी पार्टियां अपने ऊपर निजी हमला मान रही हैं और इसकी ठोस वजह भी है। लेकिन जब तक ये देश परिवारवाद के अभिशाप से मुक्त नहीं होगा, आजादी के असली मायने से हम दूर ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी ने आजादी पर्व की 75वीं वर्षगांठ पर जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने अपने भाषण में युवाओं से लेकर महिलाओं तक की बात की। लेकिन पीएम मोदी के भाषण में जो सबसे अहम बात रही वो था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला। देश की जनता से भी भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद की अपील की।
पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें कही हैं उनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें पीएम मोदी ने कही हैं उससे वो लोग घबरा गए हैं जिनके दामन पर काली कमाई की काली कोठरी की कालीख लगी हुई है। पीएम मोदी के भाषण ने कई बड़े संकेत दे दिए हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है आज हम उसके संकेतों की तरफ नजर डालेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी के भ्रष्टाचार पर बोले गए शब्दों के असल मायने क्या है। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करें। देखिए यहाँ पे लालू प्रसाद है, बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। ये पीएम मोदी का संकल्प है, ये प्रधानमंत्री का लाल किले के प्राचीर से महाप्रण है, ये शंखनाद है, ये बदलाव वाला आगाज है, भ्रष्टाचारियों पर प्रहार है, ये पीएम मोदी की हुंकार है। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है, हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करें। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने जो संदेश दिया है वो देश को खोखला करने वाले भ्रष्टाचारियों के लिए बड़ी चेतावनी है। पीएम मोदी की जुबान से निकला हर एक शब्द काले धन के पुजारियों के लिए काल है। इशारा साफ है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने विकास की राह में कांटे बोए हैं अब उनके विनाश की बारी है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं सांप देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। पीएम मोदी का इशारा साफ है, भ्रष्टाचारियों पर निशाना सध चुका है, कुछ पर प्रहार हो रहा है और कुछ पर ईडी का ब्रह्मास्त्र चल रहा है। अपने 83 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपको याद दिला दें, पार्थ चटर्जी पर ईडी की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई थी। ये पैसा उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ था। पीएम मोदी ने नाम लिए बिना टीएमसी के पूर्व नेता पार्थ चटर्जी पर निशाना साधते हुए उन लोगों को आगाह किया है जिन्होंने काली कमाई वाली काली कोठियों में पैसा भर रखा है। जब ये तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है, और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने युवाओं से लेकर महिलाओं का भी जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार पर हमला बोला। पीएम मोदी के इस बयान के कई मायने हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर केंद्रीय एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा तंज कसते हुए कहा है कि कुछ का जेल जाना तय है। भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमामंडन करने में लगे रहते हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए लाल किले से जो हुंकार भरी है उससे उन लोगों की चूले हिल गई हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं।
जिन पर जांच एजेंसियों के शिकंजे कस चुके हैं। चलिए अब आपको उन नेताओं के नाम बताते हैं जो इस वक्त भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों के दलदल में फंसे हैं। पहला नाम है सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में घिरी हुई हैं। ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ भी कर चुकी है। दूसरा नाम है राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी नेशनल हेराल्ड केस की लपटों के बीच घिरे हैं। तीसरा नाम है पार्थ चैटर्जी। टीएमसी से निष्कासित किए जा चुके पार्थ चैटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले केस में पूरी तरह फंस चुके हैं। चौथा नाम है अनुव्रत मंडल। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल पर पशु तस्करी के आरोप हैं। पांचवा नाम है संजय राउत। शिवसेना नेता संजय राउत पर पात्राचौल जमीन घोटाले के आरोप हैं। छठा नाम है नवाब मलिक का। एनसीपी नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियां लगातार मामले की जांच में जुटी हुई हैं। सातवां नाम है सत्येंद्र जैन का। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आठवां नाम है फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े इस मामले में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ये तो बड़े नाम हैं जो इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच घिरे हैं। ऐसे कई नाम और भी हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लाल किले से जिस मुहिम का जिक्र किया है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में जिन नेताओं पर, जिन अधिकारियों पर करप्शन के दाग लगे हैं, उन पर बड़ा एक्शन होगा। क्योंकि पीएम मोदी के भाषण ने संकेत दे दिया है कि करप्शन को मिटाने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बना लिया है। देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है, जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली है। ये वही सूत्र है, ये वही मंत्र है जो आने वाले समय में भ्रष्टाचार की जड़ों पर मट्ठा डालने का काम करेगा। पीएम मोदी का ये संकल्प सच होगा और भारत करप्शन के जाल से मुक्त होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने इस अभियान में करप्शन के खिलाफ शुरू हुई उस जंग में शामिल होने के लिए देशवासियों का भी आह्वान किया है। मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। और फिलहाल यहां पर ग्रह छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में आगे बढ़ते हैं। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी के आज के ऐतिहासिक भाषण से यह साफ हो गया कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या रहने वाली है। दरअसल पीएम मोदी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प तो लिया ही, साथ ही 2024 का एजेंडा भी सेट कर दिया। कैसे, इसे समझ लीजिए। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा प्रहार परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर किया। इसका एक मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों ने जो अभियान छेड़ा है, वो आने वाले दिनों में अभी और तेज होने वाला है।
दूसरे परिवारवाद पर प्रहार के जरिए पीएम मोदी ने यह संकेत दे दिया कि बीजेपी भविष्य में गठबंधन की राजनीति से खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लेगी, क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि जब तक गठबंधन की मजबूरी बनी रहेगी परिवारवाद की राजनीति पर निर्णायक प्रहार नहीं किया जा सकता। और दिलचस्प यह है कि बीजेपी के पुराने सहयोगी खुद ब खुद बीजेपी से अलग हो चुके हैं। उनके अलग होने के बाद बीजेपी ने उनका विकल्प तलाशने की बजाय खुद के जमीनी विस्तार पर ही फोकस किया है। तो इसका मतलब साफ है कि भविष्य में कम से कम बीजेपी खुद को गठबंधन की राजनीति से दूर रखेगी। यह खास रिपोर्ट देखिए। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। 75वीं वर्षगांठ पर खुला विकास का गेट, लाल किले के प्राचीर से 2024 का एजेंडा सेट। 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के बेहद खास मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 83 मिनट का लंबा भाषण दिया और 83 मिनट के इस भाषण में पीएम मोदी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया। अपने लंबे भाषण में पीएम मोदी ने जिन बातों का खास तौर पर जिक्र किया वो सरसरी निगाह से देखने पर रवायती भाषण लगेंगे, परंपरागत भाषण लगेंगे, लेकिन जब आप भाषण की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी ने 2024 के लिए अपना फोकस तय कर दिया है। पीएम मोदी ने खासतौर पर विपक्षी दलों की कमजोर नसों को दबाने और हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त और भाई भतीजावाद मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी के भाषण के मायने क्या हैं, उसे आप भी समझ लीजिए। परिवारवाद मुक्त राजनीति का जिक्र करके मोदी ने एक तरह से समूचे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो तकरीबन सभी पार्टियां परिवारवाद की बीमारी से ग्रसित हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जिक्र करके मोदी ने ये साफ कर दिया कि काले धन के कुबेरों पर छापेमारी का सिलसिला आने वाले दिनों में रुकने की बजाय और तेज होगा। परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों पर करारा प्रहार करके पीएम मोदी ने ये भी संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में बीजेपी अलायंस यानी सहयोगी दलों की निर्भरता से खुद को मुक्त कर लेगी। दरअसल बीजेपी के तीनों पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और जेडीयू खुद ही बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और भविष्य में बीजेपी सहयोगी दलों की कमी की भरपाई दूसरे सहयोगी दलों की तलाश कर नहीं बल्कि खुद का जमीनी विस्तार करके करेगी, क्योंकि बीजेपी को इस बात का बखूबी एहसास हो गया है कि जब तक सहयोगी दलों की मजबूरी बनी रहेगी भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार करना मुमकिन नहीं है। सहयोगियों से मुक्ति का अंदरूनी फैसला लेने के बाद ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतना खुलकर अपने विचार प्रकट किए। लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी के तेवर और कलेवर दोनों को शिद्दत से महसूस कीजिए, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया हूं, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। पहले शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल और अब जेडीयू की लंगड़ी के बाद बीजेपी को इस बात का एहसास अच्छे से हो गया है कि जब तक अलायंस की मजबूरी बनी रहेगी तब तक कठोर फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। इसीलिए पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जनता का सीधे तौर पर सहयोग मांग रहे हैं। किसी ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि प्रधानमंत्री आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे।
दिलचस्प ये है कि मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो पैगाम दिया वो सही जगह पहुंच गया है। इसीलिए विपक्ष लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के सबसे बड़े मर्ज को हवा हवाई मुद्दे बता रहा है। वो लोगों का सोच, लोगों का ध्यान सही हकीकत से हटाकर एक हवाई मुद्दों पर रखना चाहते हैं। अब आप बताएं, जब उनको नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया बिहार में, तो उनको किसी ना किसी को तो ढूंढना है ना आलोचना करने के लिए। नहीं तो आप बताएं, प्रधानमंत्री का भाषण इस वक्त देश के प्रधानमंत्री के तौर पर होना चाहिए। कोई बीजेपी का बंदा वहां खड़ा होकर भाषण दे सुनने को। सवाल ये है कि जिस भ्रष्टाचार ने हिंदुस्तान में अमीरों और गरीबों की खाई को और गहरा किया है, वो भ्रष्टाचार बीजेपी के किसी बंदे का मुद्दा कैसे हो सकता है? दरअसल भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश के ज्यादातर सियासी दल कन्नी काटने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन मोदी के भाषण से अब ये साफ हो गया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन दो मुद्दों को कोर इशू बनाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए बीजेपी जमीन पर अपना और ज्यादा विस्तार करेगी। गठबंधन की मजबूरी के दौर में बीजेपी परिवारवाद पर भी खुलकर हमले नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी के दो पुराने सहयोगी शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल परिवारवाद की नैया पर ही सवार हैं। अब जबकि बीजेपी कमोबेश अलायंस मुक्त हो चुकी है, इसलिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने खुलकर परिवारवाद की राजनीति की बखिया उधेड़ दी। मोदी ने इस मौके पर साफ कहा कि परिवारवाद ही भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार के साथ ही देश के युवाओं और नारी शक्ति का भी खास तौर पर जिक्र किया। दरअसल पीएम मोदी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि देश का युवा आधुनिकता के आकाश में उड़ना चाहता है और ये तभी संभव होगा जब मुल्क तरक्की करे, और मुल्क तरक्की तभी करेगा जब लूट खसोट खत्म हो। दूसरी ओर देश की आधी आबादी आज भी कई तरह की बंदिशों में जीने को अभिशप्त है। देश अगर तरक्की करेगा तो महिलाओं को भी सपनों के पंख लगाकर उड़ने का मौका मिलेगा। कहने की जरूरत नहीं कि लाल किले के प्राचीर से अपने 83 मिनट के भाषण में पीएम ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी ने आने वाले अगले 25 सालों के लिए विकास का एक खास रोडमैप तैयार किया है। देश में विकास की नई इबारत लिखने के लिए पीएम मोदी ने खास मंत्र दिया है। ये खास मंत्र केवल मंत्र नहीं है बल्कि एक प्रण है। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से पंच प्रण का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज का यह दिवस ऐतिहासिक है, ये एक पुण्य पड़ाव है, एक नई राह, एक नए संकल्प और एक नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। तो चलिए अब आपको पीएम मोदी के उस पंच प्रण के बारे में बताते हैं जो नए भारत के निर्माण में सहायक होने वाला है। भ्रष्टाचारियों से ठाना रण, पीएम मोदी का पंच प्रण। 25 साल संधान, 2047 में हिंदुस्तान शक्तिमान। तीन रंगों में रंगा ये तिरंगा भारत की आन बान और शान है। इस तिरंगे की शान के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों की हंसते हंसते कुर्बानी दी है।
तीन रंगों में रंगे इस कपड़े के लिए बहनों ने अपने सुहाग की आहुति दी है। कई वीर सपूतों ने अपनी जवानी में मखमली सुखों का आवरण न ओढ़ते हुए तिरंगे में लिपटकर जीवन की अंतिम यात्रा की है। आज भी तिरंगे की खातिर सरहद पर अपने सर पे कफन बांधकर देश के वीर सपूत बर्फ की जमी को अपने लहू से गर्म करते हुए शहादत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी तिरंगे की खातिर ही लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने संकल्प लिया है, ये वो प्राण है जो देश में विकास की नई इबारत लिखेगा, नए भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। भारत लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली लाल किले पर लगातार 9वीं बार तिरंगा पंच प्रण लिया है। पीएम मोदी ने देश के लिए वो सपना देखा है जिसे साकार करने के लिए उन्होंने देशवासियों से पंच प्रण पर ध्यान देने की बात कही है। ये वो 5 प्रण हैं जो भारत को नई दिशा प्रदान करेंगे। तो चलिए अब आपको पीएम मोदी के पंच प्रण के बारे में बताते हैं। हमारे पास एक अनमोल सामर्थ्य है। पहला प्रण, विकसित भारत का संकल्प। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा पहला प्रण विकसित भारत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। पहला प्रण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाने को पीएम मोदी ने दूसरा प्रण बताते हुए कहा कि अगर गुलामी का एक भी अंश अब भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। दूसरा प्रण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। मोदी ने लाल किले के प्राचीर से तीसरे प्रण के बारे में बताते हुए कहा है कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये वही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। अनेकता में एकता भारत की महान विशेषता का द्योतक रही है। एकता और एकजुटता के दम पर ही भारत ने पूरी दुनिया में अपनी अलग और खास पहचान बनाई है। पीएम मोदी का चौथा प्रण भी एकता और एकजुटता का है। इस प्रण के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि एकता और एकजुटता के साथ ही देशवासियों को देश हित में काम करना होगा। चौथा प्रण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता
न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। पीएम मोदी ने पांचवें प्राण का जिक्र करते हुए कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। नागरिकों का कर्तव्य देश के लिए होना जरूरी है। कर्तव्यों के प्रति जागरूक नागरिक ही देश को प्रगति की राह पर ले जाने में कामयाब होंगे। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है, नागरिकों का कर्तव्य। ये पीएम मोदी के वो पांच प्राण हैं जो आने वाले समय में देश की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आने वाले 25 साल के लिए देश को पंच प्राण पर अपनी शक्ति केंद्रित करनी होगी। पीएम मोदी का संकल्प है कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, तब यही पंच प्राण आजादी के दीवानों के सारे सपनों को साकार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राष्ट्रवाद में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।